तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आप इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सीखेंगे वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप, यानी कि जो वी लुकअप है वो हम यहाँ पर यूज कम करेंगे और एक्स लुकअप है उसका एडवांस यूज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और किस प्रकार से हम यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आपको बता दो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है उसके न्यू फंक्शंस है एक्स लुकअप और एक्स मैच, जिसमें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी है, स्पीडी भी है और हाँ यहाँ पर आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाली है एक्स लुकअप के फंक्शन से, जो आपको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने पहला पार्ट बनाया था इसका उसका हम यहाँ पे एक्सेल 2019 में एक्स लुकअप को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको हमने बताया था, और जो हमने सेकंड पार्ट बताया है उस बारे में हमने आपको बताया है कि एक्सेल कोई सा भी हो जिसके अंदर हम एक्स लुकअप यहाँ पे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो न्यू फंक्शन है वो हम एक्सेल 2023 से लेके और 16 के बीच में आते हैं वहां पर किस प्रकार से उनका यूज कर सकते हैं। तो आज के थर्ड वीडियो के पार्ट हम 3 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप को किस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यदि आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको जाके आप जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों वाई एक्स लुकअप, एक्स लुकअप का यूज ही क्यों? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो है वी लुकअप के वर्सेस यहाँ पर जो एक्स लुकअप है उसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे मैच मोड, हम यहाँ पर देखेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे यहाँ पर एग्जिट मैच, वाइल्ड कार्ड्स वगैरह और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, यहाँ पर हम किस प्रकार से इनका यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पर जानेंगे कि जो सर्च मोड है, सर्च मोड के जो फंक्शन है नीचे यहाँ पर, इनको हम किस प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस वीडियो के हम यहाँ पर वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप विद 5 एग्जाम्पल ये सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों मैं हूं रवि स्वामी आपका दोस्त और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एक्सेल पे, जिसपे आपको सीखेंगे यहाँ पर कुछ एडवांस और यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट इन एक्सेल्स के अंदर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना न भूले दोस्तों, और हाँ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी न भूले दोस्तों, ताकि आप भी यहाँ पर अपडेटेड रहे। तो चलिए हम अपने लाइव डेटा पे चलते हैं और सीखते हैं वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप किस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर हम आ गए हैं अपने डेटा पर और यहां पे सीखते हैं वी लुकअप वर्सेस एक्स लुकअप किस प्रकार से हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे मेरे पास में कुछ डेटा है जिसके थ्रू हम यहां पर जो लुकअप है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वी लुकअप, वी लुकअप किस प्रकार से यूज होता है यहाँ पर। सो देखिए आप यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल वी लुकअप, वी लुकअप में सबसे पहले हमारा आता है लुकअप वैल्यू जो कि हमारी हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी एंड देन टेबल एरे, टेबल एरे जहाँ से हमें डेटा चाहिए। तो टेबल एरे हमें कहाँ पे हो गया, ये हमारा टेबल एरे हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है और इसको कर देना है लॉक F4 से, ओके, एंड देन कॉमा, फिर आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर जिसमें हमें चाहिए रिटर्न वैल्यू, यानी कि आपको लुकअप वैल्यू से रिटर्न वैल्यू कौन सी चाहिए, तो वो कौन से कॉलम में आपका रिटर्न वैल्यू है। तो हमारे यहाँ पर हम लेंगे एम्प्लॉय नेम, यानी कि सेकंड कॉलम में है, उसके लिए हमें यहाँ पर 2 इनपुट करना होगा एंड देन कॉमा, फिर आता है हमारा रेंज लुकअप यानी कि ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू होता है हमारा अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स होता है हमारा एग्जिट मैच। तो हमें यहाँ पर एग्जिट मैच चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 0 एक्सिट मैच के लिए, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट के लिए 1 यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लोज कर देंगे इसको ब्रैकेट को, उसके बाद में जैसे एंटर करोगे आप देखेंगे हमारे सामने एम्प्लॉय आईडी है जिसकी है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये तो हो गया हमारा वी लुकअप जिसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हम वी लुकअप से वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा एक्स लुकअप, एक्स लुकअप क्या चीज है और ये वी लुकअप से कैसे एडवांस है वो हम सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे यूज करेंगे हम एक्स लुकअप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लुकअप वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कॉमा, फिर आता है लुकअप एरे, यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो कहाँ से आपको फाउंड करनी है, तो हमें यहाँ से फाउंड करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे आपको हेडर्स को कभी भी एक्स लुकअप काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये इसको भी काउंट कर लेता है फिर हमें रेंज के अंदर, तो हमें यहाँ पर हेडर्स को यूज नहीं लेना है, जिस आपको वैल्यू है वहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करके यूज करनी है, ओके। उसके बाद में फिर कोमा, फिर रिटर्न एरे, और हमें कौन से रिटर्न चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम से रिटर्न चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, अब आप कॉमा करोगे तो हमारे पास में आएंगे मैच मोड, यानी कि एग्जिट मैच, अप्रोक्सीमेट, जो भी हमारे पास में आते हैं मैच मोड्स, आप यहाँ मैच मोड्स का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जीरो एग्जिट मैच, वन माइनस वगैरह, ठीक है, तो टू वाइल्ड कार्ड मैच, इस प्रकार से। तो ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि लुकअप, एक्स लुकअप है वो ऑटोमेटेड है यहाँ पर, और ये ऑटोमेटेड एग्जिट मैच हमेशा लेता है। इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की जगह हमारे पास में क्या आ गया, हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इसने लुकअप कर लिया है। तो यहाँ पर आपने देखा इस एग्जाम्पल के अंदर व्यू लुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है, और एक्स लुकअप इतना डिफरेंट या एडवांस है यहाँ पर व्यू लुकअप से, देखा आपने यहाँ पर दोस्तों। आज आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स में समझते हैं कि एक्स लुकअप कैसे वर्क करता है एडवांस टाइप पे। तो चलिए सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल उठाते हैं यहाँ पर, ये जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कंट्रीज है, ठीक है, और उनका यहाँ पर ईयरली जो सेल वैल्यू है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास में उसका डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए यहाँ पर डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप का, एक्स लुकअप का यूज़ करने वाले हैं, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, रशिया, ठीक है, इसको कर देंगे हम लॉक F4 से, कोमा, फिर आता है लुकअप एरे, यानी कि जो रशिया है वो कहाँ से आपको लुकअप करना है, तो हमें यहाँ से इसको लुकअप करना है लॉक, ठीक है, ताकि यह इधर उधर टेबल ड्रेग ना हो। उसके बाद में फिर चाहिए कोमा, उसके बाद में रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक की वैल्यू, ठीक है, ये हमें पूरे रिटर्न में चाहिए, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर लॉक, और इसको कर देंगे विंडो क्लोज, क्योंकि हमें एग्जिट मैच तो एक्स लुकअप पहले से ही लेता है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और करते हैं एंटर प्रेस। आप देखेंगे जो रशिया है उसकी यहाँ पर हमारे पास में सेल अमाउंट है वो आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से सेम वैल्यू, और इसको यदि मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो कंप्लीट वैल्यू है वो विदाउट एनी फॉर्मूलाज यहाँ पर पूरी ड्रैग हो गई है, जबकि हम ये वैल्यू इस प्रकार से व्यू लुकअप के अंदर मैच फंक्शन लगा के ही यूज़ कर सकते थे। तो एक्स लुकअप में एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, आप इसको कैसे भी यहाँ पर यूज़ करने सकते हैं और उससे इमिडिएटली यहाँ पर लुकअप वैल्यू फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्री चेंज कर सकता हूँ, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, जो भी आपको डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक पुट कर सकता है। एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर हम इनका सम या एवरेज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे फंक्शन एक्स लुकअप है और इसको मुझे एवरेज करना है मेरी वैल्यू का, तो मैं यहाँ पे मैं सम करना है मुझे, तो टोटल यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज़ करूँगा और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर इसको कर दूंगा मैं क्लोज, तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अमाउंट का टोटल, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा, इन सब का टोटल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको टोटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह एवरेज भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एवरेज, है ना, एक मिनट, एवरेज में आपको यहाँ पर यूज़ करके बता देता हूँ एवरेज, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, तो ये हमारी एवरेज वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि यहाँ पर हम एक्स लुकअप के थ्रू वेरी शॉर्ट से स्विफ्ट तरीके से हम यहाँ पर जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर लुकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, चलते हैं हम सेकंड एग्जांपल्स पर। यहाँ पर हमारे पास में है एग्जिट मैच और द नेक्स्ट सिमिलर आइटम, यानी कि जो हमारा सेल्स कमीशन अमाउंट है यहाँ पर, और इसकी हमें परसेंटेज रेट यहाँ पर देनी है कि कितना कितना कमीशन आप यहाँ पर देते हो। तो ये कुछ हमारे टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो 15% जैसे सेल टारगेट आपका 9000 होता है, देन यू विल गेट 15%, ठीक है, और 8000 होता है 5%, 10000 तक 20%, 7000 तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो 7000 तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास में जरूरी नहीं कि दोस्तों यहाँ पर आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग होल्डर ही हो, नहीं, एक्स लुकअप उस चीज़ को भी यहाँ पर काउंट कर लेता है जो कस्ट रेंडमली यहाँ पर वैल्यू पड़ी हो उसको भी ले लेता है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, चलते हैं यहाँ पर एक्स लुकअप, सेम हमारा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, सेल अमाउंट, ओके, कोमा, फिर लुकअप एरे, ये सेल अमाउंट हमें कहाँ से लेना है, ये सेल अमाउंट हमें यहाँ से लेना है,
ठीक है, और इसको कर देना है लॉक, फिर कोमा, फिर रिटर्न एरे। ठीक है, तो रिटर्न एरे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लुकअप एरे हमारा होगा कमीशन, जो सेल टारगेट अमाउंट वो हमारा हो जाएगा लुकअप एरे। रिटर्न एरे में हमें चाहिए परसेंटेज, तो रिटर्न एरे में परसेंटेज हो जाएगी, इसको करेंगे F4। कोमा, अब आता है हमारा मैच मोड। मैच मोड में दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 आता है एग्जिट मैच, ठीक है, और -1 आता है एग्जिट मैच एल्स रिटर्न द नेक्स्ट सिमिलर आइटम, यानी आसपास के कुछ जो आइटम है वो यहाँ पे आपको फाउंड करके दे। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं -1, ओके, और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, और जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे 8,000 के आसपास के अमाउंट को क्या दे रहा है, 5%, जो कि हमने दे रखा था यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में। इसको आप जस्ट डबल टैप करके ट्रैक कर सकते हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी अमाउंट है हमारा परसेंटेज का, वो हमें कुछ सेकंड्स में ही यहाँ पर रिजल्ट आपको दे देता है, जबकि वीलुकअप आपको इस प्रकार से आपको नहीं यूज कर सकते, जहाँ पे वीलुकअप में हमें डबल यूज करना पड़ता है, डबल एक्स वीलुकअप यूज करते हैं तब जाके हमें ये रिजल्ट आपको मिलता है, और यहाँ पर एक्स लुकअप के एक सिंगल फंक्शन से यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये एक सुनकर हमारे पास हो गया एडवांस फंक्शंस का। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो है मैच मोड वो है, वो क्या है, 1 एग्जिट मैच और द नेक्स्ट लार्जर आइटम। ठीक है, या तो आपको एग्जिट मैच ला के दे यहाँ पर, या फिर उससे नेक्स्ट लार्जर आइटम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है, उनका कुछ वेट इस प्रकार से दे रखा है, उनकी रेटिंग यहाँ पे आएगी और यहाँ पर एक्शन भी आएगा, तो वो किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एक्स लुकअप और फिर लुकअप वैल्यू, लुकअप हमारा यहाँ पे वेट रहेगा, ओके, फिर कोमा, फिर आता है हमारा लुकअप एरे, यानी कि जो वेट है वो कहाँ से है, यहाँ पर है, ठीक है, और इसको F4 से लॉक करेंगे, ओनली जो हमारी रो है उन्हीं को हमें लॉक करना है, कॉलम्स को यहाँ पर लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम्स की वैल्यू आगे चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कोमा, फिर आता है हमारा रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में हमारी रेटिंग आ जाएगी, इसको हम करेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिर्फ रो को लॉक रखेंगे न कि कॉलम्स को, और उसके बाद में कोमा, फिर हमारा आता है 1 एग्जिट मैच एल्स रिटर्न द नेक्स्ट लार्जर आइटम, यानी कि जो इससे बड़ा है आसपास में आइटम है वो हमें यहाँ पर फाउंड करके दे। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 1 मैच मोड में, यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो वेट है उसकी रेटिंग यहाँ पर आ गई है, यानी आपका वेट 110 है, ये दिस मीन वेरी बैड। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दो, आपको देखेगा यहाँ पे वेट 81 है, इट्स गुड, 96 है बैड है, अभी तक 75 है तो गुड, और 55 है देन एक्सीलेंट, यानी कि आपका वेट शानदार है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटे पतले का काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं एक्शन। तो यहाँ पर जो एक एक्शन है वो क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्शंस वगैरह हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें फंक्शन ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को और उसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है एक्स लुकअप को, इस प्रकार से आपको रिजल्ट इमिडिएटली आपको मिल जाएगा, और इतना हमारा वी लुकअप रिजल्ट नहीं देता फास्ट वर्क जितना कि एक्स लुकअप देता है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर एक्स लुकअप के थ्रू हमने फटाफट यहाँ पे वैल्यूज को आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, बेसिक सैलरी, HRA और नेट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा से हम यहां पर करेंगे एक्स लुकअप का फंक्शन का यूज, इक्वल एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा आईडी, इसको करेंगे F4 से लॉक, उसके बाद में कोमा, लुकअप एरे जो हमारी एम्प्लॉय आईडी वो लुकअप एरे हो जाएगी हमारी, इसको करेंगे F4 से लॉक, फिर कोमा, रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में हम क्या चाहिए एम्प्लॉय नेम से लेके, और यहाँ से हमें रिटर्न एरे चाहिए। ठीक है, इसको हम कर देंगे लॉक, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। तो हमारा जो एम्प्लॉय नेम है वो विनीता राणा तो आ गया है, और यदि मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ इस साइड में, तो बेसिक सैलरी की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर फीमेल आ रहा है,
और यहाँ पर इधर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ चेंजेज हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको दिख रहा है? ठीक है, तो ये आपको जो है विनीता राणा की कंप्लीट फीमेल डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका बेसिक HRA और नेट पे, ये सब आपको वैल्यू यहाँ पे से फाउंड करके दे रहा है। ठीक है, यानी कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको फाउंड कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें कुछ डेटा ही यहाँ पर उनका चाहिए। देखिए हमें यहाँ पर है जो जेंडर नहीं चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, बेसिक सैलरी HRA और नेट पे यहाँ पे हमें चाहिए। तो इसके यहाँ पे टू वे है हमारे, तो किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक्स लुकअप फंक्शन जो हमारा है इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और एक्स लुकअप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर इसको आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक्स लुकअप है और एक्स लुकअप के अंदर हमने यहाँ पर जो रिटर्न एरे है उसमें वैल्यू डाल रखी थी, इसको हम यहाँ पर हटा के वो इसकी जगह हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अगेन एक्स लुकअप को। ठीक है, और यहाँ पर जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी रहेगी एम्प्लॉई नेम, और इसमें हमें सिर्फ जो रो है उसको लॉक रखना है न कि कॉलम को। एंड देन कोमा पे लुकअप एरे, यानी कि जो ये लुकअप वैल्यू है कहाँ से फाउंड करनी है, तो यहाँ से लुकअप करनी है हमें हेडर से, और इसको कर देना है कंप्लीट लॉक F4 से। ओके, इसके बाद में कोमा, फिर हमें चाहिए रिटर्न एरे, यानी कि हमने ये लुकअप वैल्यू देख ली, अब यहाँ से रिटर्न हमें किस प्रकार से चाहिए, तो यहाँ से हमें रिटर्न चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू से हमें रिटर्न चाहिए, तो इसको हम कर देंगे लॉक और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आप देखेंगे हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी नेम और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम उसका आ गया है, और यदि मैं इसको मैं इधर ड्रैग करता हूँ तो मेरी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू मेरे पास में आ रखी है विनीता राणा की। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से हमें मैच हो रही है, तो इसका मतलब अब जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं फिलहाल यहाँ पर अगर डेट ऑफ जॉय डालता हूँ, डेट ऑफ जॉय, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा हमारा काम है जिसके अंदर हमें क्या पता कभी भी मैनेजर कुछ बोल सकता है कि किस प्रकार से आपको ये वैल्यू फाउंड करनी है, तो हम दोबारा फंक्शन लगाने नहीं बैठेंगे दोस्तों, उसकी जगह हमें आपको करना है हेडर आपको चेंज करना है, तो आपको ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं जेंडर एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का वापस टैग आ गया है, और यदि इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर, तो जेंडर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्स लुकअप फंक्शन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आया है और यहाँ पर बहुत चीज़ें यहाँ पर एडवांस हुआ है, सर्च ऑप्शन बेटर कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर एक्स लुकअप का फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने सीखा डबल एक्स लुकअप लगा के हम कितनी ईजिली यहाँ पर वैल्यू फाउंड कर सकते हैं, यहाँ के हमें इंडेक्स मैच और वी लुकअप की यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अलग अलग फंक्शन की, जस्ट एक एक्स लुकअप है जिसके थ्रू हम यहाँ पर आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पर हम जो दो एम्प्लॉय है उनका कंपेरिजन करेंगे कि बेसिक सैलरी HRA और नेट पे किस प्रकार से हम यहाँ पर कंपेरिजन करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें बार बार फंक्शन यूज़ करके हम सिर्फ एक बार फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू यहाँ पर दोनों का कंपेरिजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे एक्स लुकअप का इस्तेमाल वापस, हम यहाँ पर एक्स लुकअप, यहाँ पर आता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी एम्प्लॉई आईडी। ठीक है, और इसको हमें करना है सिर्फ रो को लॉक रखना है, ठीक है, न कि कॉलम्स को। उसके बाद में कोमा, फिर लुकअप एरे, ये लुकअप एरे कहाँ से आएगा हमारा, एम्प्लॉय आईडी एरे। ठीक है, यहाँ से हमें इसको लुकअप करना है और इसको कर देना है फिक्स। ठीक है, और उसके बाद में फिर कोमा, और यहाँ पे जो रिटर्न एरे है वो कैसे लाना है हमें, तो यहाँ पर वापस जैसे फिक्स पिछले फंक्शन में हमने यूज़ किया डबल एक्स लुकअप, सेम यहाँ पर यूज़ करना है डबल एक्स लुकअप का फंक्शन। उसके बाद में फिर हमारे पास में आता है अगेन लुकअप वैल्यू, तो हमारी जो बेसिक सैलरी है वो लुकअप वैल्यू रह जाएगी, और इसके अंदर आपको करना है ओनली रो को लॉक नहीं रखना है, यहाँ पे कॉलम को लॉक रखना है और रो को अनलॉक रखना है, ताकि हम ऊपर नीचे ड्रैग करें तो रो यहाँ पे चेंज हो सके, न कि कॉलम चेंज हो। ठीक है, उसके बाद में कोमा, जो रिटर्न लुकअप एरे है वो हमें कहाँ से लाएगा, तो लुकअप एरे हमें फाउंड करेगा हमारी हेडर से। ठीक है, इसको कर देना है लॉक। उसके बाद में कोमा, फिर हमारा आता है रिटर्न एरे, तो यहाँ पे जो रिटर्न एरे है वो हमारा क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज है रिटर्न एरे, तो यहाँ पर रिटर्न एरे हमारे पास में आ जाएगा और इसको कर देना है लॉक एंड देन कोमा, और उसके बाद में रखना है मैच मोड आपको यहाँ पर 1, ताकि आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको कंपेरिजन कर सके।
उसके लिए यहाँ पर हम वन रखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे जो एम्प्लॉय आई डी है डबल ये आ गए 11565, ठीक है। यानी जो ये वाली एम्प्लॉय आई डी है इसकी आपको आपको बेसिक सैलरी यहाँ पर मिल गई है और ये इंसेंटिव आपको चाहिए और यहाँ पर नेट पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको करना होगा इसको ड्रैग। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम अमाउंट हमारे पास में आ गया है, ठीक है। अब यदि इसी को हम यहाँ पर आगे ड्रॉप ब्रेक कर देते हैं, आप देखेंगे जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट हमारा 11 ईयर है फर्स्ट वाला, ठीक है, फातिमा शेख का, इसकी बेसिक सैलरी HR और नेट पे आ गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो और यहाँ पे दो एम्प्लॉय आई डी या फिर तीन एम्प्लॉय आई डी जो भी आप यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हो वैसे आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर है जो एक्स लुकअप वर्सेस वी लुकअप को जाना और एक्स लुकअप के यहाँ पे एडवांस फॉर्मूलों को यहाँ पर हमने देखा, ठीक है।